हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमन स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 12 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस और चैप्टर का नाम है कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स। ये जो चैप्टर है ये टेंसर कैलकुलस के अंदर आता है। इसमें हम आज एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है क्या है क्वेश्चन में कि इफ़ ए आई जे इज सिमेट्रिकल देन प्रूव दैट ए जे आई कामा जे इक्वल्स टू 1 अपन अंडर रूट जी डेल अपन में डेल एक्स जे ब्रैकेट में ए आई जे कामा अंडर रूट जी माइनस 1/2 ए जे के डेल जी जे के अपन में डेल एक्स आई। ये आपको प्रूव दैट करके दिखाना है। अगर ए आई जे क्या है, सिमेट्रिकल है। ए आई जे सिमेट्रिकल है, इसका क्या मतलब होता है? यानी ए आई जे जो है इसको हम लिख सकते हैं ए जे आई के भी फॉर्म में, ठीक है। अगर आपको कहीं भी ए जे आई दिखे तो उसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, ए आई जे के। क्यों ऐसा है? क्योंकि ए आई जे क्या है, सिमेट्रिकल है। ये क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इफ़ ए आई जे इज सिमेट्रिकल देन प्रूव दैट। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ लिखा है, ये है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ मिक्स टेंसर सुपर स्क्रिप्ट जे सब स्क्रिप्ट आई। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स जे के रिस्पेक्ट में। इसको आपको प्रूव दैट करके दिखाना है कि ये जो है वे इसके इक्वल्स टू होता है, यानी कि 1 अपन अंडर रूट जी डेल अपन में डेल एक्स जे ब्रैकेट में ए आई जे कामा अंडर रूट जी माइनस 1/2 ए जे के डेल जी जे के अपन में डेल एक्स आई। इसके लिए देखिए, इसके जो पहला वाला चैप्टर था क्रिस्टोफर सिम्बल्स, उसमें मैंने आपको कुछ फार्मूलाज लिखवाए थे, सेकेंड काइंड सिम्बल, फर्स्ट काइंड सिम्बल, ठीक है। तो इसमें उन सभी फार्मूलाज का यूज होगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि इसमें 3 बेसिक फार्मूलाज का हम यूज करने वाले हैं। पहला तो ये है कि सेकंड काइंड सिंबल आई जे आई दिखे तो इसका फार्मूला होता है लॉग, यहाँ पे डेल लॉग अंडर रूट जी अपान में डेल एक्स जे है। यानी किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो यहाँ पे दोनों में से डिफरेंट होगा, जैसे आई आई तो सिमिलर है। तब ये आपके समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे इसको समझना है। तो यहाँ पे देखिए, जे दोनों से क्या है, डिफरेंट है, तो आप एक्स जे के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर यहीं पे मान लीजिए आई आई के रहता, यानी आई के आई रहता, तो आप क्या करते, अपॉन में डेल एक्स के करते। तो ये पहला फार्मूला है। ये दूसरा है, दूसरा ये क्या है, सेकंड काइंड सिंबल है क्रिस्टोफर का। ये अगर आई जे एम है सेकंड काइंड में, इसका फार्मूला क्या होता है, जी एम के फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा के। और क्रिस्टोफर फर्स्ट काइंड सिंबल यानी कि आई जे कामा के का फार्मूला क्या होता है, 1/2 डेल जी जे के अपान में डेल एक्स आई प्लस डेल जी आई के अपान में डेल एक्स जे माइनस डेल जी आई जे अपान में डेल एक्स के। अब ये तो फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए, तभी आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट काइंड वाला क्रिस्टोफर सिंबल है, सबसे पहले आप आईजो को लीजिए। सबसे पहले आप तो 1/2 लगाइए, ब्रैकेट बनाइए, यहाँ पे एक प्लस, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये आपको पहले कर देना है। एक बार आप आईजो को लीजिए, के को आप छोड़ दीजिए, तो आपके पास डेल जी आई जी अपॉन में डेल एक्स के आएगा। जिसको आप छोड़ेंगे उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा। अब इस बार क्या करिए, आप आई और के को लीजिए, जे को छोड़ दीजिए, तो डेल जी आई के अपान में डेल एक्स जे हो जाएगा। इस बार आप जे और के को लीजिए और आई को छोड़ दीजिए, तो डेल जी जे के अपान में डेल एक्स आई हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। ये आपके याद करने का मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया था, जिससे आप सभी को अच्छे से याद हो पाए इन सभी फार्मूला। तो ये 3 बेसिक फार्मूलाज हो गए जो कि इस वाले क्वेश्चन में यूज होंगे। तो चलिए, हम क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व था, तो मैं सोचा कि आप सभी को इसको बता दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर ए आई जे सिमेट्रिकल है तो आपको इतना इज इक्वल टू ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे आप हेडिंग में नोट कीजिएगा। अब इसका फार्मूला मैंने आपको बताया है एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से, मैंने उसमें जितने भी फार्मूलाज हैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स के, उन सभी को मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। सभी फार्मूलाज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए उस वीडियो के माध्यम से, और बढ़िया से उसको आप याद कर लीजिए।
क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए आई जे कामा एल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है बाय डेफिनेशन, तो इसका फार्मूला ही होता है ये वाला। क्या है ये? डेल ए आई जे अपॉन में डेल एक्स एल माइनस ए जे एम आई एल एम प्लस ए एम आई एम एल जे, ये इसका फार्मूला होता है। अगर ए आई जे कामा एल का फार्मूला ये है, तो सिमिलरली अगर एल के प्लेस पे जे होता, जो कि आपको इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, तो इसी फार्मूले को आप किस वे में लिखेंगे? अगर एल के प्लेस पे जे को पुट कर दिया जाए, क्योंकि तो आपको ए आई जे कामा जे ले आना है ना, तो ये फार्मूला किसका है? ए आई जे कामा एल का। एल के प्लेस पे आपको जो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे लास्ट में कि इसका जो एल एच एस है इसके आर एच एस के बराबर है। कब? जब आपका ए आई जे कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। यहाँ पे देखिए जहाँ पे एल है वहाँ पे हमने जे पुट कर दिया, ठीक है। तो फार्मूला किस वे में आ जाएगा? देखिए डेल ए आई जे अपान में डेल एक्स जे माइनस ए जे एम सेकेंड काइंड सिंबल आई जे एम प्लस ए एम आई सेकेंड काइंड सिंबल एम जे आई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको थ्री बेसिक फार्मूलाज दिखाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड काइंड सिंबल में सिमिलर नहीं होगा यानी कि एम, उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, और बाकी यहाँ पे डेल लॉग अंडर रूट जी लिखा जाएगा। अभी इसका मैंने आपको फार्मूला जस्ट यहाँ पे दिखाया है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, यही फार्मूला लिखा गया है। इसी के तरीके से हम इसके प्लेस में भी फार्मूला लिखेंगे। तो सेकेंड काइंड सिंबल एम जे जे के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स एम, ठीक। अगले स्टेप में देखिए मैंने आपको दूसरा वाला फार्मूला जो लिखवाया था, सेकेंड काइंड सिंबल यानी जो क्रिस्टाफल सेकेंड काइंड होता है, आई जे एम किसके क्वेश्चन हो जाएगा? जी एम के फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा के के। बाकी ये वाला टर्म एज इट इज़ लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए एम एम क्या है? डमी है, इसको हम जैसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, अगर जे इसके प्लेस पे हम यहाँ लिखे हैं एम के, तो यहाँ भी हमको जे लिखना ही पड़ेगा। तो ये आपका हो गया अगला स्टेप। इसके बाद के स्टेप में देखिए क्या किया गया है। पहले वाले टर्म को एज इट इज़ माइनस लिखा है, तो माइनस अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल होगा, तो क्या बचेगा? ए जे के बचेगा, और ये फर्स्ट काइंड सिंबल एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस ए आई जे और ब्रैकेट के अंदर देखिए अगर आप लॉग एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? वन अपान एक्स मिलता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन अपान एक्स। लेकिन ये एक्स क्या है? अंडर रूट जी है, ना कि एक्स है। तो इसका हम एक बार फिर से करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे का। तो पहले तो इसके प्लेस हम लिखेंगे वन अपॉन एक्स, और फिर से हम एक्स का करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे। तो वही चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, जब आप लॉग अंडर रूट जी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे के साथ, तो आपको वन अपॉन अंडर रूट जी इंटू में इसका फिर से होगा, तो डेल लॉग डेल अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स जे मिलेगा। अगले स्टेप में चलते हैं, ये वाला जो नेगेटिव वाला टर्म है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी इन दोनों टर्म में से वन अपान अंडर रूट जी को हम कॉमन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन अपान अंडर रूट जी नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है मल्टीपल में अंडर रूट जी डेल ए आई जे अपान में डेल एक्स जे, प्लस ये वाला यहाँ से हमने क्या कर दिया है, वन अपान अंडर रूट जी को कॉमन कर दिया, तो क्या बचेगा? ए आई जे डेल अंडर रूट जी अपॉन में डेल एक्स जे, और ये वाला जैसे ही टर्म था इसको ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ए जे के आई जे कामा की। अगले स्टेप में चलते हैं, अब ये सभी इक्वल्स टू के किसके चल रहा है? ए आई जे कामा जे, यहाँ पे देख लीजिए, तो इम्प्लाइज दैट आप लिखेंगे, लगाएंगे इम्प्लाइज दैट ए आई जे कामा जे इक्वल्स टू वन अपन अंडर रूट जी। अब यहाँ पे देखिए बाई प्रोडक्ट रूल से इसको हम छोटा फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको यहाँ पे फर्स्ट माने और इसको हम क्या माने, सेकंड माने, तो आप बाय प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन जब करते हैं बाय पार्ट्स में, यानी फर्स्ट ये पार्ट हो गया या सेकंड पार्ट हो गया,
अगर ऐसा आपको कहीं भी दिख जाए और उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप फर्स्ट वाले टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, सेकंड वाले टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं। अगर पार्शियल है तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में होगा। तो ये जो ब्रेकेट के अंदर लिखा है इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स जे ब्रेकेट में अंडर रूट जे इंटू में ए आई जे। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलने वाला है, ठीक है, माइनस ए जे के आई जे कामा के। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लेट कर लीजिए अभी इसी समय। हाँ, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही थर्ड फार्मूला लिखवाया था, जो बेसिक में आपको बताया था कि जो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल होता है आई जे कामा के, उसका ये फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, वन अपॉन टू ब्रैकेट में डेल जी जे के अपॉन में डेल एक्स आई प्लस डेल जी आई के अपॉन में डेल एक्स ए माइनस डेल जी आई जे अपॉन में डेल एक्स के, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ए जे के से मल्टीपल करेंगे ऑन बोथ साइड, एल एच एस में भी और आर एच एस में भी। तो इसके प्रत्येक टर्म में ए जे के का मल्टीपल होगा और यहाँ पे इसमें भी मल्टीपल होगा, क्योंकि हम बोथ साइड कर रहे हैं जिससे कि कोई चेंजिंग ना आए, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट का आपको साइन लगाना है, यहाँ पे लिखना है ए जे के फर्स्ट काइंड सिंबल क्रिस्टोफर का आई जे कामा के इक्वल्स टू वन बाई टू। अब इधर भी तो प्रत्येक वाले जो ईच टर्म है उसमें भी तो ए जे के से मल्टीपल होगा, तो सभी में लिखा जाएगा ए जे के डेल जी जे के अपान में डेल एक्स आई प्लस ए जे के डेल जी आई के अपान में डेल एक्स जे माइनस ए जे के डेल जी आई जे अपान में डेल एक्स के। आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं आया होगा। इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू का साइन आप लगाएंगे, वन बाई टू जैसे लिखा है वन बाई टू आपको ऐसे ही लिखना है। इसमें आपको चेंजिंग करना है जे को के के साथ और के को जे के साथ, इन लास्ट टर्म मतलब कि आपको इसमें चेंजिंग करना है इस वाले में, ठीक है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे जे है वहाँ पे आपको के लिखना है, जहाँ पे के है वहाँ पे आपको आई लिखना है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ए आई जे क्या है, सिमेट्रिकल है, तो ए जे के को हम ए के जे भी लिख सकते हैं, तो आप चेंजिंग ही तो कर रहे हैं जे को के साथ, तो जहाँ के है वहाँ जे आ जाएगा, जहाँ जे है वहाँ पे के आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे का स्टेप आपको हम बढ़िया से समझाते हैं। अगले स्टेप में आपका जो ए आई जे है वो सिमेट्रिकल है, इसलिए आप ए के जे को आप ए जे के भी लिख सकते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए जे के फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा के इक्वल्स टू वन बाई टू ब्रेकेट के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए आई जे क्या है, सिमेट्रिक है, इसलिए यहाँ पे पहले ए के जे था, अब यहाँ पे क्या हो गया ए जे के, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो ए आई जे को हम ए जे आई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सिमिलर हो गए हैं, ये पॉजिटिव के साइन में है, ये नेगेटिव के साइन में, जीरो बचेगा, तो आपका यही फर्स्ट वाला टर्म यहाँ पे लिखा जाएगा, वन बाई टू ए जे के डेल जी जे के अपान में डेल एक्स आई। अब यही जो आपके पास वैल्यू निकला है ये किसका है, ए जे के फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा के। तो इक्वेशन नंबर आप जो फर्स्ट वाला लेट किए थे उसमें माइनस के साथ ये वाला टर्म आपको लास्ट में दिखा होगा, नहीं दिखा है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए ना। ये यहाँ पे देखिए इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट किया है, तो यहाँ पे इसी चीज़ का वैल्यू आपने अभी जस्ट फाइंड किया है, ए जे के आई जे कामा के का, एक बार आप फिर से समझिए, इसी का वैल्यू आपने इन सभी स्टेप्स में फाइंड आउट किया है, तो आपको ये चीज़ मिला है। क्या मिला है, वन बाई टू ए जे के डेल जी जे के अपान में डेल एक्स आई। अब यही जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ है इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट करेंगे, यानी इसके प्लेस पे जब आप ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे वन बाई टू ए जे के डेल जी जे के अपान में डेल एक्स आई, तो आपको यही चीज़ तो मिलेगा जो आपको प्रूव दैट करना था। ये वाला तो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही फाइंड आउट करके दिखा दिया है, ठीक, ये वाला जो है आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही करके दिखा दिया है।
अब बस आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया अभी, तो इसके प्लेस पे यही तो वैल्यू तो आपके पास आया है निकल के कि 1/2 ए जे के डेल जी जे के अपन में डेल एक्स आई। तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट कर देंगे तो आपका ये जो LHS है ये RHS के बराबर आ जाएगा और आपका ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे प्रूव दैट आप हेंस प्रूव लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, जो लास्ट का स्टेप हमने नहीं किया आपको डायरेक्टली ऐसे ही समझा दिया है। अब यही वैल्यू जो है, यानी ये वैल्यू किसका है, ए जे के फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा के का है, कितना है 1/2 ए जे के डेल जी जे के अपन में डेल एक्स आई। यही सेम वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसके प्लेस से पुट कर देना है, यानी जो यहाँ पे मैंने डबल यहाँ पे लिखा है इसी के प्लेस पे आपको वो वाला वैल्यू पुट करना है। जो आप वो वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगा और यही आपको प्रूफ दैट करके दिखाना भी था। तो क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दो फार्मूलाज हैं थर्ड ऑर्डर में, वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद ये आपका जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे रीमान सिंबल। अब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।